तीन चीजें हैं, जन्म दिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक, है ना? तीनों सुने हैं ना आपने, जन्म दिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक। जन्म दिन किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। जन्म जयंती सम्यक दृष्टि की, और जन्म कल्याणक तीर्थंकर भगवान का, है ना? जन्म कल्याणक तीर्थंकर भगवान का। इन तीनों में से अभी हम कहाँ हैं? जन्मदिन में है कि जन्म जयंती में है कि जन्म कल्याणक में है? कहाँ आपका नंबर आता है? जन्म कल्याणक में? नहीं, अरे कितनी जोर से नहीं बोला। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। जिसका मरण हुआ है उसका जन्म हो गया, और जिसका जन्म हुआ है उसका मरण हो गया। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन में तो है, ये तो त्रयंज गति में भी है, नरक में भी है, देवगति में भी है, सभी जगह जन्म होता है। जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म लेने के लिए तो एक चींटी भी जन्म लेती है, जन्म लेने के लिए एक मच्छर भी जन्म लेता है, जन्म लेने के लिए कुत्ता गधा बैल भी जन्म ले लेते हैं। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और छोड़ो, जो निगोदिया जीव हैं वो एक श्वास में 18 बार जन्मते हैं और मरते हैं। एक श्वास में, जितनी देर में आप एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इतनी देर में उनका 18 बार जन्म मरण हो जाता है। यदि जन्म ही बहुत अच्छी चीज होती तो सबसे अच्छा निगोदिया होना चाहिए था, है ना? लेकिन जन्म अच्छे या बुरे से मतलब नहीं है। जन्म लेना एक नया शरीर धारण करना है। क्या है? जन्म लेना एक नया शरीर धारण करना है, और शरीर छोड़ना एक मृत्यु है। नया शरीर धारण किया कब? जब जन्म हुआ। फिर शरीर का कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर क्या आ जाएगी? मृत्यु। कार्यकाल का मतलब आयु कर्म, कार्यकाल का मतलब आयु कर्म। जितनी आयु थी उतने आप जी लिए, बस शरीर का काम पूरा हो गया। जैसे एक कैदी होता है, एक कैदी को सजा सुनाई जाती है कि इसको 14 वर्ष की जेल दी जाती है, या आजीवन दी जाती है, या 10 वर्ष की दी जाती है। अब वो 10 साल क्या हो गए उसके लिए? बंधन हो गया। क्या हो गया? बंधन हो गया। कौन सा बंधन हो गया? जेल में कैद होने का बंधन हो गया। अब 10 साल तक वो उस जेल से बाहर निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही एक जीव ने जन्म लिया और उसकी आयु थी 50 साल, ठीक है? एक जीव ने, किसने जन्म लिया? किसने जन्म लिया? जीव ने। जन्म किसके साथ हुआ? शरीर के साथ। किसके साथ हुआ? शरीर के साथ। रहने वाला कौन है? जीव है। जन्म किसमें हुआ है? शरीर में हुआ है। मतलब शरीर अलग चीज है और जीव अलग चीज है ना? तो एक जीव ने जन्म लिया मनुष्य शरीर में। जेल भी कई तरह की होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, राज्य लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल की होती है, कई लेवल की होती है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर भी कई तरह के होते हैं, शरीर भी कई तरह के होते हैं। मनुष्य का शरीर होता है, देव का शरीर होता है, नारकियों का शरीर होता है, और पशुओं का शरीर होता है। उसमें भी छोटों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, हाथी का अलग होता है।
जन्म तो हाथी का ही भी होता है ना। अरे बोलिए ना, हाथी का शरीर कितना बड़ा है, आप जैसे कितने आ जाएंगे, आप कितनी रोटी खाते हो, एक दिन में कितना अन्न खा लेते होंगे, 1 किलो 2 किलो नहीं। और हाथी को क्या चाहिए, एक दिन में 1 बोरी 2 बोरी आटा, उससे भी वो भी कम पड़ जाएगा। अरे तुम्हारा 1 बोरी आटा तुम्हारा कितने दिन चलेगा, वह चल जाएगा। तो जन्म तो हाथी का भी होता है। तो शरीर, एक व्यक्ति ने मनुष्य शरीर में जन्म लिया 50 साल के लिए। अब 50 साल तक उस जीव को उस शरीर में रहना पड़ेगा, सुख हो तो भी रहना पड़ेगा, दुख हो तो भी रहना पड़ेगा, बीमार हो शरीर तो भी रहना पड़ेगा, और स्वस्थ हो शरीर तो भी रहना पड़ेगा। अब उसके लिए ये शरीर क्या हो गई, आप मानते हो इसे जेल मानते हो? अरे बोलिए ना, आज तक किसी ने अपने जेल सजाई है, जेल का श्रृंगार किया है? क्या होता है, एक कैदी को यदि 10 साल की जेल हो जाए तो एक एक दिन गिनता है, क्या एक एक दिन गिनता है, वो दिन कब आएगा जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा, जब मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा, मैं अपने परिवार से जाके मिलूंगा, अपने बच्चों से जाके मिलूंगा। बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई भी कैदी जेल में रहना नहीं चाहता है, और आप इस शरीर में, पता चल जाए कि मृत्यु आने वाली है। बोलिए, मृत्यु किसको आएगी, जीव को या शरीर को? शरीर को। क्यों, जीव को मृत्यु क्यों नहीं आएगी? जीव अजर अमर अविनाशी है ना? एक वो भजन आता ना, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा, यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में। यदि शरीर को जलाओगे तो आत्मा उड़ जाएगी, शरीर जल जाएगा। यदि इसको पानी में पटकोगे तो शरीर गल जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी। यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, शस्त्रों से। यदि किसी ने इस शरीर को तलवार से काटा है तो आत्मा कट सकती है क्या? शरीर कट जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी, आत्मा कटने वाली नहीं है। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा ये आत्मा हमारा, मरता न मरी का मतलब एक बीमारी होती ना, जिसमें इंसान को मरना ही पड़ता है, मरी की बीमारी होती है। बीमारी आती ना, प्लेग आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, कोरोना आता है, इस तरह की बीमारी होती है जिसमें जाना ही पड़ता है। लेकिन उस वो बीमारी भी हमारी आत्मा को मार नहीं सकती है, ठीक है ना? हैं? तो इस शरीर में जन्म लिया। अब इस शरीर में जन्म लेने के बाद में क्या हमने इसको कैद माना, क्या हमने इसको जेल माना कि ये शरीर हमारी आत्मा के लिए बंधन है? मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस शरीर से, मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? मोक्ष जाना चाहता हूँ। अनंत काल हो गए शरीर में रहते रहते,
अनंत काल में हो गई शरीर को संवारते संवारते, अनंत काल हो गए इसको खिलाते पिलाते, अनंत काल बीत गए इसकी सेवा करते करते, लेकिन अभी तक ये शरीर समाप्त नहीं हुआ। तो जितना शरीर से प्रेम करोगे, यानी ये प्रकृति की व्यवस्था है, जो चाहोगे वो मिलेगा, ये तो आप जानते हो ना, जो चाहोगे वो मिलेगा, पक्का मिलेगा, गारंटी है, लिख लो आप, जो चाहोगे वो मिलेगा। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए तब मिलेगा, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए तब मिलेगा, लेकिन जो चाहोगे उतना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। अब आप यदि शरीर को ज्यादा चाहते हो तो क्या मिलेगा, शरीर ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे, शरीर ही मिलेंगे, और आत्मा को चाहोगे तो शुद्ध आत्मा मिलेगी, आत्मा को चाहोगे तो धर्म मिलेगा, आत्मा को चाहोगे तो संयम मिलेगा, आत्मा को चाहोगे तो शुद्ध आत्मा मिलेगी। तो अभी आप किसको चाहते हो ज्यादा, अरे बोलिए ना, शरीर को है, इसलिए बार बार क्या मिल रहा है, शरीर मिल रहा है। अच्छा, तो जो शरीर को नहीं चाहता वो क्या करता है, वो धर्म में लग जाता है, वो स्वाध्याय करता है। जो शरीर को चाहता है वो शरीर के स्वाध्याय में लगता है, जो आत्मा को चाहता है वो आत्मा के स्वाध्याय में लगता है। बोलिए सही बात है कि नहीं है, यानी जो शरीर को चाहता है तो वो कपड़े अच्छे अच्छे पहनेगा, क्यों, क्योंकि वो शरीर को चाहता है। फिर क्या होगा, अब कपड़े अच्छे अच्छे पहनेगा तो उसकी खोज करनी पड़ेगी, कौन सी दुकान में मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, क्या मिलते हैं, पूरा स्वाध्याय करना पड़ेगा, पड़ोसन से बात करनी पड़ेगी, तो वो साड़ी लेके आई थी कहाँ से लेके आई थी, बहुत बढ़िया सी थी, मुझे भी साड़ी खरीदनी है, यानी सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। बिना जानकारी के तुम कपड़ा भी अच्छा नहीं खरीद सकते हो। तुम्हारे घर में शादी है, शादी में आपको ज्वेलरी खरीदनी है, चार जनों से सलाह लेते हो, चार जनों से फोन पे बात करते हो, अरे हमारे यहाँ ना बेटी की शादी है, हमें जरा सोना खरीदना है, कहाँ से खरीदे, आपने कहाँ से खरीदा था, फिर वो अपना पूरा ब्यौरा खोलती है, उस दुकान में अच्छा है, उसमें महंगा है, उसमें सही है, उसका ये, फिर वो अपना पूरा चिट्ठा खोलती है, फिर तुम उसमें समझदारी से अपनी काम करके फिर तुम सोना खरीदते हो, ठीक है ना। यदि आपको अच्छा अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मोबाइल पर सर्च करना पड़ता है, किताबों में सर्च करना पड़ता है, टीवी में देखना पड़ता है, और मोबाइल में कई इस तरह की वो चलती होंगी, क्या ऑनलाइन क्लास चलती होंगी जिसे आप अटेंड करते हैं, जिसे खाने से प्रेम है वो उसका स्वाध्याय करेगा, जिसे देखने से प्रेम है वो उस तरह की चीज़ें सर्च करेगा, जिसे सुनने से प्रेम है वो उस तरह का स्वाध्याय करेगा, लेकिन जिसे आत्मा से प्रेम है ये खाने पीने के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करेगा, वो तो ये सोचेगा कितनी आत्मा की बात सुन लूं, कितना स्वाध्याय कर लूं, कितना इस आत्मा को समझ लूं, कैसे परिणामों को शांत कर लूं, कैसे क्रोध से बच जाऊं, कैसे मान से बच जाऊं, कैसे पापों से बच करके मैं धर्म में लग जाऊं। जो आत्मा से प्रेम करेगा उसकी उसका स्वाध्याय ये रहेगा, और जिसे शरीर से प्रेम है, जिसे जिससे प्रेम होता है वो उसकी जानकारी प्राप्त करता है। कल बताया था, जहाँ रुचि होती है वहाँ दिमाग, एनर्जी, पैसा सब कुछ खर्च होता है, और जहाँ रुचि नहीं होती है वहाँ इन सब चीज़ों को खर्च भी नहीं किया जाता है। तो जन्म लेकर के शरीर धारण किया, क्या किया, शरीर धारण किया, जैसा बताया जेल होती है, लोग जेल से प्यार नहीं करते लेकिन शरीर से बहुत प्यार करते हैं। भगवान महावीर ने इसे जेल माना, क्या माना, इसे जेल माना, इसलिए शरीर से मुक्त होने वाला उपाय किया,
और इस शरीर से मुक्त होकर वो मोक्ष में चले गए। आप भगवान महावीर को मानते हो? अरे बोलिए ना, कैसे मानते हो? हैं, कैसे मानते हो? पूजा करते हो? हाँ, पूजा में जल चढ़ाते हुए क्या कहते हो? पूजा में क्या कहते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जब पूजा करने जाते हो और मान लो कोई त्योहार का दिन है और पूजा करने जा रहे हो और उस दिन तुम्हारा जन्मदिन आ जाए, अरे बोलिए ना, जब आप उसमें कहोगे जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए, तो फीलिंग क्या आएगी आपकी? आपकी फीलिंग क्या होगी उस पूजा में? आपने कह तो दिया जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए, दिमाग ही नहीं जाएगा जन्मदिन की इतनी खुशी, आज तो मेरा जन्मदिन है, जो आएगा कोई मुझे देख तो ले, आज मैं इतनी तैयार होके आई हूँ। अपने चार जनों को बुलाओगे, देखोगे, बात करोगे, हंसोगे, एक जन्मदिन के दिन एक बार भी ये भावना नहीं आएगी कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए। हम धर्म किस स्तर का कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। और धर्म किस स्तर का है, धर्म का क्या स्तर है, और हम धर्म किस स्तर का कर रहे हैं, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। तो जन्मदिन मनाने वाले तो बहुत हैं। पहले के समय में इतना जन्मदिन का क्रेज नहीं था। पहले तो यही नहीं पता होता था कब आता है कब चला जाता है। और यदि मान लो किसी से पूछा जाए कि अम्मा तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, जब मेरी बुआ आई थी, बारिश हो रही थी तब मेरा जन्म हुआ था। अब बताओ कब बुआ आई थी, कब बारिश हो रही थी, कब उनका जन्म हुआ था? आप अच्छे से मना सको ये जन्म कल्याणक, इसलिए आज ये सारी बात बताई है। क्या करोगे जन्म कल्याणक पर? भगवान के लड्डू खाएंगे और क्या करेंगे? समाज का सामूहिक खाना हो जाएगा, जुलूस निकल जाएगा, हो गया काम, और क्या करना पड़ता है? हाँ, जन्म कल्याणक है, भगवान ने जन्म लिया तो लड्डू हम खाएंगे। जन्म कल्याणक के दिन यदि आपके पास में महावीर विधान हो तो वो कर लेना। उस दिन यदि आपको जुलूस में जाना है तो एक दिन पहले कर लेना, कल कर लेना कि भाई परसों आप सामूहिक रूप से महावीर जयंती मनाई जाएगी जयपुर में, तो हो सकता है आपको टाइम ना मिले, तो एक दिन पहले कर लेना। और उसके बाद यदि आपके पास से ना हो महावीर विधान, तो आप जो है महावीर भगवान की पूजा कर लेना, महावीर भगवान की माला फेर लेना। दूसरी बात, ये 10 लाक्षणी चल रही है। क्या चल रही है? 10 लाक्षणी। आज कौन सी तिथि है? 11। आज सुमतिनाथ भगवान का 3 कल्याणक भी है ना? हाँ। और कल 12 है, और परसों क्या है आपको पता है? 13 है। 13 को क्या हुआ था? भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और क्या हुआ था? राजस्थान में एक और बहुत अच्छा काम हुआ था, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष 13 तिथि है, 23 अप्रैल, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे। सारा शुभ चैत का महीना 12 महीने में सबसे अच्छा माना जाता है। तिथियों में पूर्णा तिथि 13 सबसे अच्छी मानी जाती है। पक्षों में शुक्ल पक्ष अच्छा माना जाता है, उसमें भी भगवान का जन्म कल्याणक। ऐसे वैसे दिन नहीं, भगवान जब निकले ना भूगर्भ से तो उनके बाजे उनने पहले तैयार कर लिए थे। भाई प्रतिमा जमीन से निकल रही तो बाजे कौन मंगवाएगा, किसको याद रहेगी वहां पे? लेकिन ऐसे टाइम निकले कि बाजे सामने तैयार खड़े थे। अतिशयकारी भगवान अपने अतिशय ऐसे दिखाते हैं। दिन के 12 बजे निकले, कितने बजे? 12 बजे, 12 से 1 के बीच में निकले थे, यानी सूरज भी बिल्कुल चढ़ा हुआ था, यानी शासन करने वाला समय,
कौन सा? तपा हुआ सूर्य, शासन करने वाला समय। तो आज मुनिश्वर नाथ भगवान जमीन से निकल के सब भक्तों के हृदय में शासन कर रहे हैं। एक महाराज आए थे, तो महाराज ने भगवान की भौंहें देखी, तो मेरे से कहते हैं, ये जो भौंहें हैं ना, ये शासन करने वाली भौंहें हैं, यानी जिस जो शासक होता है उसकी भौंहें ऐसी होती हैं, या तो ऐसी भौंहें भगवान बाहुबली की गोमटेश्वर में हैं, और या मुनिसूरतनाथ भगवान की है। एक ब्रह्मचारिणी दीदी आई, बोले माता जी भगवान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी ब्यूटी पार्लर से निकल के आए हों। मतलब कौन क्या क्या कहता है भगवान के लिए, क्या क्या कल्पनाएं करता है भगवान के लिए। अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी आई थी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी आई थी शिखर जी वाली, तो शिखरचंद जी पहाड़िया कह रहे थे, बोले भगवान तो ऐसा लगता भगवान को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आंखें ना हटाओ वहां से, ऐसे सुंदर लगते हैं, ऐसे सुंदर लगते हैं कि आंखें वहां से हटाने की इच्छा नहीं होती, पलक झपकने की इच्छा नहीं होती। अभी महावीर कोठारी जी की पत्नी श्रीमती अनिला जी भी गई थी जहाजपुर, और वो भी बहुत बहुत भाव विभोर होके आई वहां से, बोले ऐसी प्रतिमा तो आज तक नहीं देखी है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आने वाला है, माँ त्रिशला और पिता सिद्धार्थ के घर में भगवान का जन्म हुआ था, वो माता पिता भी धन्य हो गए हैं। लोगों की पहचान, किसी की पहचान होती है कि ये वो हमारे पापा हैं, वो है ना, वो हमारे दादाजी हैं, वो यहाँ ना उनकी बहुत बड़ी हवेली थी, यहाँ ना उनका बहुत बड़ा मंदिर था, वो हमारे दादाजी थे, वो हमारी दादी थी, वो ऐसा करती थी, वो ऐसा करती थी। तुम्हारी पहचान किससे? दादा से, दादी से, या तुम्हारे पिता से? लेकिन सिद्धार्थ और माँ त्रिशला की पहचान किससे? महावीर से। तुम ऐसा काम करो कि तुमसे तुम्हारे ऊपर वालों की पहचान भी हो और तुमसे तुम्हारे नीचे वालों की पहचान भी हो। अपने जीवन का एक एक क्षण खाली मत जाने दो। कई बार तो मैं सोचती हूं लोग खाली बैठते कैसे हैं, ये खाली बैठ के समय खत्म कैसे करते हैं कि सुबह खाया, शाम को खाया, दिन भर पानी पिया, ये किया वो किया। मेरे मन में, दिमाग में आती है कई बार कि ये अपना समय खत्म करते कैसे हैं, और खत्म कर रहे हैं तो इन्हें दुख क्यों नहीं होता है कि आज मैंने अपने दिन भर में ना तो कुछ अच्छा काम किया, ना मालाएं फेरी, ना कुछ पढ़ा, ना लिखा, ना किसी के अच्छे विचार लिए, ना किसी को अच्छे विचार दिए, ना टीवी में प्रवचन सुने, वो दिन खत्म कर लिया। कैसे हो सकता है, उनके दिमाग में आता क्यों नहीं है कि हमारा समय खराब हो रहा है, किसी की निंदा बुराई में एक एक दो दो घंटे निकाल देते हैं, उन्हें खुद क्यों नहीं लगता कि हम ऐसा ना करें। मेरे मन में बहुत आती है ये बात कई बार। नहीं तो एक एक व्यक्ति, तुम जैनी हो, तुम्हारे अंदर अच्छे अच्छे संस्कार हैं, तुम अच्छे 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 काम कर सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, ध्यान कर सकते हो, तुम अच्छी माला फेर सकते हो, तुम स्वाध्याय कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, निकालो उस एनर्जी को और करो अपना जीवन सार्थक। ये फालतू बातें करके अपनी जिंदगी का एक एक समय खराब मत करो। इसी जिंदगी का समय भगवान महावीर ने यूज किया तो वो भगवान बन गए, और तुम अपनी जिंदगी का समय खराब करोगे तो भगवान तो नहीं बन पाओगे, नीचे और जाना पड़ेगा। तो कौन कौन अपना जीवन सार्थक करने के भाव बनाएगा आज से? कौन कौन स्वाध्याय करेगा, माला फेरेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा? करेंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। बस खत्म हो गया प्रवचन। इस लाइट ने पता क्या बताया है जाकर के? ये बताया है कि जब ये मंदिर 100 साल 150 साल पहले बना होगा, 200 साल पहले, तो यहाँ लोग प्रवचन कैसे सुनते थे, बिना लाइट के कैसे रहते थे, उजाला कितना आता था, कैसे शांति से बैठते थे, उस समय की फीलिंग लो। ये लाइट जाने का कारण ये था। ये तो हमारा जुगाड़ है, हमने माइक लगवा लिया।
हम बिना जुगाड़ के रहते ही नहीं है। जैनी आदमी कभी दुखी नहीं रहता, जुगाड़ जरूर कर लेता है। चलिए मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और भगवान के जन्म कल्याणक का, बड़ा ही महत्व है। पीने में क्षीर का, गर्मी में नीर का और तीर्थंकरों में महावीर का, बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का और तीर्थंकरों में सनमति का, बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, रहने में मकान का और तीर्थंकरों में वर्धमान का, बड़ा ही महत्व है। भोजन में खीर का, भोजन में खीर का, धनुष में तीर का और तीर्थंकरों में वीर का, बड़ा ही महत्व है। कौन सा नाम बचा? अतिवीर। कौन सा बचा? अतिवीर। होने में धीर का, मनुष्यों में धीर का और खींचने में लकीर का और तीर्थंकरों में अतिवीर का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का, बड़ा ही महत्व है। हैं, मैंने पांचों बोले, बोले है ना, बोले मैंने। अच्छा, और किसका महत्व बताऊं? बक्शी जी चौक का। अच्छा, बक्शी जी के चौक का महत्व बताऊं? सब्जी में छौंक का, शिखर जी में टोंक का और जौहरी बाजार में बक्शी जी के, बड़ा ही महत्व है। और बताओ, अब तो तुम सारे चौक लेके खड़ी हो जाओगी। जितने जौहरी बाजार में चौक है, तुम चौक लगा लो, बाद में सबके नाम बोलो, चाक्षू का चौक और ठौलियों का चौक, पाटौदी का चौक, मेहंदी चौक। अब चौक चौक लास्ट में है ना, तो शुरू का तो बोल लो आप चौक का, वो एक ही रिमिंग आएगी। आने में शुरकर नृत्य में नूपुर का, आने वालों में शाहपुर जबलपुर का, बड़ा ही महत्व है। पंजाब में पंज का, नहीं ही होने में रंज का और आने वालों में किशनगंज का, बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। आने वालों में भीलवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। देने में दात का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में हैदराबाद का, बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में सुजानगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में निवाई का, बड़ा ही महत्व है। भोजन में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, होने में निहाल का और आने वालों में वेस्ट बंगाल का, बड़ा ही महत्व है। शरीर में दम का, होने में नम का और आने वालों में सेलम का, बड़ा ही महत्व है। देशों में अवंती का, माताओं में कुंती का और आने वाली महावीर जयंती का, बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आपके शांति से प्रवचन सुनने का, बड़ा ही महत्व है। बोले चौबीसों भगवान की। छत्तीसगढ़ से आए हैं और पिछले 5 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस अतिशय क्षेत्र की इतनी तारीफ सुनी है और आने के बाद लगता है जितनी तारीफ कही गई है उससे बहुत कम है। जितनी ऊर्जा यहाँ, जितनी पॉजिटिविटी मुझे मिली है,
दिल गदगद हो गया। मैं सभी से निवेदन करूंगा अपने जीवन काल में से कम एक बार आप जहाजपुर अवश्य आइए। माता जी के हम ऋणी हैं कि इतनी सुंदर प्रतिमा के दर्शन हम सभी को मिले, और इतना सुंदर तीर्थ आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। पूरे भारत में घूमे हमने, पर यहाँ आके जो शांति मिली है वो कहीं नहीं मिली है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, आप आंख बंद करके सिर्फ आपको यहाँ आना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। आप एक हफ्ता रुक जाएंगे एक की जगह, ये मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ। बहुत 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 मैं माता जी के सामने वंदनामी करते हुए पुनः जो है अपने परिवार की ओर से आशीर्वाद चाहूँगा माता जी की, हमें पुनः इसी प्रकार से धर्म लाभ और यह मतलब भगवान जी के अभिषेक करने का जो है मौका मिलता रहे और दर्शन करने का लाभ मिलता रहे। माता जी वंदना में मुनि शुभनाथ भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हाँ के धन्य हो गए दर्शन करके, और इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी शांति मंदिर के दर्शन करके और व्यवस्था और धर्मशाला और माता जी की, ऐसा सौभाग्य हमको बार बार मिले, और रुकने की इच्छा कर रही है कि यहीं रुक जाएं कि इतना अच्छा लग रहा है। बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। ही भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरे नाव का माझी, ओ तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है। लोग किशनगंज से आए, बहुत दूर से बिहार से आए, मुझे यहाँ आकर बहुत शांति और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लड्डू चढ़ाने का भी मौका मिला और शांति धारा देखने का मौका मिला। मैं यही चाहती हूँ कि आगे जो भी लोग आए, ये जगह इतनी पावन धरती है यहाँ पर, कि यहाँ पे आपके यहाँ आके आपको इतनी शांति और इतना अच्छा महसूस होगा और इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आगे जो भी लोग, जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर ज़रूर दर्शन करें जहाजपुर का। इतना सुंदर मंदिर, इतना पावन मंदिर है। जय बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हम भी हर साल आते हैं, पिछले साल पूरे परिवार के साथ आए थे हम लोग, और ये बहुत अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ शायद स्वर्ग ऐसा ही होगा। मुनीश्वरनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं अपने पूरे मदर टेरेसा महिला मंडल के साथ यहाँ अवश्य आएँ, ऐसा आशीर्वाद दें कि जल्दी से पूरा महिला मंडल के साथ मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए सभी लोग आएँ। वंदाई नमोस्तु, वंदाई माता जी। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।